यहाँ पर ये घोड़े का एक्सीडेंट हो गया इनसे ज्यादा काम कराते हुए। ये देखिए गाइस, ये देखो थोड़ा आगे चलो, इनकी कोई वैल्यू नहीं सोच रहा जानवरों की। तो गाइस फाइनली वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर से फुट ट्रैक स्टार्ट होता है 16 किलोमीटर का। तो गाइस फिलहाल तो बारिश हो रही है यहां पे, तो अभी मैं कैमरा बंद करता हूं, खाली कैमरे में दिक्कत आ गई फिर और मुसीबत, तो मिलता हूं अभी थोड़ी देर में आपसे आगे। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, गौरीकुंड से यहां पर से 16 किलोमीटर का ट्रैक है। तो देखो कितना टाइम लगता है, यहां से लगेगा 4-5 घंटे तो लगेंगे। तो गाइस कितना बज रहा है अभी? 1:10 तो 1:10 हो रहा है, तो 6-7 बजे तक पहुँचेंगे मेरे को तो लगता है, क्योंकि बारिश भी हो रही है लग रहा है मेरे को। तो ये देखिए छुरा वाला टाके, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और तो एक भाई हमें मिलना है लोकल वाले, तो यही के हैं, तो इनका भी यूट्यूब चैनल, तो आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इनको भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई अपना बता दीजिए चैनल का नाम। मेरा नाम सोनू है, मेरे चैनल का नाम परफेक्ट पहाड़ी है। भाई लोगों अभी हम लोग गौरीकुंड से पैदल यात्रा कर रहे हैं अपने केदारनाथ तक की, तो आइए देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टेड चीज़ें आपको भी दिखाएंगे मिलती है रास्ते में। पर भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा है, और न जा रहे तो ये देख लीजिए। तो गाइस भीड़ तो देखिए इतनी भीड़ है, और तो कैसे एक आगे यहाँ पे कुंड भी है, वहाँ पे गरम गरम पानी आता है, उसी की वजह से बस शायद इसका नाम गौरीकुंड है। उसी की वजह से इसका नाम गौरीकुंड है। तो ये भी पाली क्या बोलते हैं उसको, पालकी बोलते हैं, पालकी भी मिल जाएगी आपको, ये बांस की बनी होती है। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए ये अवेलेबल की हुई है यहाँ पर केदारनाथ में। देखिए काफ़ी सारे बंदे, तो वह यार इनके लिए हेड शॉप चाहिए थी, हम चल महंगे चलने में हमारी इतनी हालत खराब होती है, तो ये पीठ में लेके कैसे चलते होंगे भयंकर। तो गाइस अभी बारिश भी आई थी तो अभी तो रुकी है, बूंदाबांदी चल रही है फिलहाल। भीड़ इसलिए भी है क्योंकि जो कल दर्शन करने गए थे वो भी वापस आ रहे हैं, और आज वाले भी आगे वो जा रहे हैं दर्शन करने जा रहे हैं। तो कई लोग रेनकोट पहन के जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश आई थी ना इसीलिए। तो कुंड कहाँ यार, कुंड आ गया। तो गाइस ये है गौरीकुंड, यहाँ पर देखिए आपको भाप टाइप की दिख रही होगी, ये है यहाँ पर गर्म पानी आता है ना, तो इसकी जो ये बनाया कुंडी है इसी की वजह से गौरीकुंड का नाम पड़ा है। तो गाइस अभी तो हमें लेट हो रही है क्योंकि 2 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी ऊपर केदारनाथ में, तो इसलिए आपको आगे जब नीचे वक्त आएंगे तब आपको दर्शन कराऊंगा। तो आप चलते हैं आगे के ट्रैक, आगे ट्रैक कंटिन्यू करते हैं हमारा केदारनाथ का, तो चलो भाई। तो गाइस भीड़ तो इतनी है ना कसम से यार, आप देख रहे हो। तो गाइस यहाँ पर ये घोड़ा पड़ाव है, तो गाइस यहाँ पर घोड़ा पड़ाव कहते हैं इसे, ये घोड़ा पड़ाव है, यहाँ से आपको जेन्युइन रेट जो गवर्नमेंट रेट है उसमें आपको घोड़े मिल जाते हैं केदारनाथ यात्रा तक। हाँ जिसको मतलब दिक्कत है, मतलब कुछ जो जाना चाहिए, मतलब घोड़ा यात्रा करना चाहिए। ये गाइस ये है देखिए, जा भी रहेंगे देखिए। ये गाइस देखिए घोड़े, आपको घोड़े मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि नाम ही घोड़ा पड़ाव है ना, घोड़ा पड़ाव। तो कैसे कि जो चल नहीं पाता है, ये बुजुर्ग लोग होते हैं ना जिनके पाँव में दिक्कत होती है, बस जिनको दर्शन तो करने ही है क्योंकि बुढ़ापे में तो आते हैं यहाँ तीर्थ यात्रा करने ना, तो इसीलिए घोड़े की व्यवस्था भी की है, और पालकी की व्यवस्था भी की है जो बांस वास से बने होते हैं, पीछे बिठा के कंधे में आपको दिखाया जैसे कि मैंने। तो भीड़ तो भाई कसम से, ये यार भाई जय बोले। तो गाइस ये भाई बता रहे हैं क्योंकि ये भाई लोकल के ही है। तो फ्रेंड्स जैसे आप जानते हो कि भाई ये सामने हमारा जो सामने ये व्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले घोड़ा पड़ाव था आपदा के बाद, ये वाला हाँ, ये पूरा आपदा के बाद यहाँ रास्ता वो आया घोड़ा पड़ाव, ये देखिए आप देख सकते हो भीड़ है यहाँ पे भी। तो गाइस भीड़ तो मतलब इसी बार सबसे ज्यादा इसी बार हुई है ना, इस बार सबसे ज्यादा भीड़ हुई है, अभी तो देखे खुले कपाट खुले हुए 3-4 दिन हो रहे हैं, फिर भी अभी से इतनी भीड़ हो रही है, अभी से इतनी भीड़ हो रही है, आदमी को रुकने की जगह नहीं मिल रही है, कोई रूम मिल ही नहीं रहेगा इस वहाँ पर। तो गाइस मैं बता रहा था, ये भैया बता रहे थे ना यहाँ पर पूरा मार्केट टाइप का था शायद, ये देखिए कितनी गहरी चले गई नदी, देखा नहीं बना। तो गाइस यहाँ पर था ही नहीं, लगा लो इतना फोर्स आ रहा पानी देखो यहाँ पर इतना, ये पूरा ये आजकल ही बना है, ये सारे अभी नए बने हुए यात्रा के लिए पड़ाव। अच्छा तो गाइस ये पहले जब ना वो आपदा आई थी 2013 में, तो पूरा ये टूट गया था, तहस नहस हो गया था, आपने देखा होगा वीडियोस में काफ़ी, आपको पता भी होगा। तो इस नदी की जो ऊपर से पानी आ रहा है इसकी वजह से ज़्यादा बहुत फुल पावरफुल पानी आ गया था ना,
तो इसीलिए ये पूरा तहस नहस हो गया था। तो अब इस साइड ये कर दिया आप लोगों, इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो अब आगे को चलते हैं, अब आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं, आपको बताते रहेंगे, इंटरेस्टिंग से कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी तो आपको बताते रहेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो कहीं यार ये आदमी से ज़्यादा तो घोड़े चल रहे भयंकर यहाँ, तो यार इनसे ये डर लग रही कि ये भयंकर लात वात ना मार दे, तो इसलिए इनसे फटाफट आगे को निकलना पड़ेगा। तो आप फटाफट कंटिन्यू करते ट्रैक और कीचड़ तो देखो भाई क्या हो गया, देख रहे हो फुल डेंजरस हो रहे हैं घोड़े। तो गाइस यहाँ से केदारनाथ 15 किलोमीटर है और जंगल छत्तीस 3 किलोमीटर मतलब 3.5 किलोमीटर। आपको रुकने के लिए मतलब बारिश से बचने के लिए ये मिल जाएंगे और वाईफाई जोन भी यहाँ पर पता नहीं गाइस वाईफाई चलता नहीं चलता है, चलेगा यहाँ तक है। और तो गाइस हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी है और हम आ गए 4 किलोमीटर ऊपर आ गए भाई, ये घोड़े ऐसे हो रहे ना खतरनाक। जय बोले बाबा की। तो दोस्तों कहते हैं ना, जितना ही मुश्किल सफ़र होता है उससे ज़्यादा खूबसूरत मंजिल होती है। तो दोस्तों यही हमारे दिमाग में था और आप सभी को पता ही है केदारनाथ स्वर्ग है और वहाँ कहते हैं स्वर्ग से हवा आती है, और हम चीते जी स्वर्ग की ओर पढ़ रहे थे भोले का नाम लेते हुए। ये जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले बुबू। आंटी आगे से रो रही थी जैसे कैमरा देखा, ये स्माइल हो गई। जय बाबा की जय, बाबा जी भीम बली यही नाम है सर आई थिंक ये भैया, ये ना भीम बली है ना, भीम बली पहुंच चुके हैं। और घोड़ों की लाइन देखिए यहाँ पर, घोड़ों की लाइन, घोड़ों का टोल प्लाजा, आदमी की लाइन दिख नहीं रही, घोड़ों की ज्यादा दिख रही है यहाँ पर, घोड़ों का टोल प्लाजा, टोल प्लाजा, तो टैक्स कट रहा है यहाँ पर। अरे भैया घोड़े का टैक्स, तो गाइस यहाँ पर से केदारनाथ, अंकल जी केदारनाथ कितना बचा हुआ है यहाँ पर से बताइए तो। अरे बहुत अजय आगे किलोमीटर तो बताओ, 10 किलोमीटर है पूरा। तो गाइस यहाँ पर से 8-10 किलोमीटर बचा है, तो यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर बचा होगा ना भैया, सही बोल रहा हूँ ना। और कुछ बोलना चाहेंगे बताओ भाई, यहाँ कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है यहाँ, बढ़िया लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, ये कैसा लग रहा है बताओ। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जय बोले, जय बोले। ये घोड़े के ये ड्राइवर है घोड़े के, ये भैया भी ड्राइवर है घोड़े के, ये भी अंकल जी जय बोले, जय बोले, हम बोले। तो गाइस यहाँ पर से अराउंड 8 किलोमीटर बचा है केदारनाथ, तो यहाँ से रास्ता बहुत खतरनाक है। ये भैया ड्राइवर है घोड़े के भी, हेलो तो बोलो, जय बोले तो बोलो, जय बोले, बाय बाय। तुम तो भगा रहे हो यार हमको, बाय बाय बोल दे रहे हो, ये बाय बाय भैया, सर मार रहे हो क्या, वीडियो कॉल घर में बात कर रहे हो ना, ये तभी तभी भाई कह रहे हो। अंकल जी सॉरी थोड़ा टकरा गए थे, ये है घोड़े का ड्राइवर, ये भी घोड़े का ड्राइवर है के। आप भैया जी कहाँ से हो आप, मुंबई से, ये भाई मुंबई से आए, देखिए इतने दूर से केदारनाथ के दर्शन करने आए, तो गाइस आप लोग भी आइए, यस जय, ऊपर रुक के आइए, मौसम भी खराब हो रहा है, और यहाँ आपको इंसान से ज्यादा घोड़े दिखेंगे और जाम घोड़ों ने लगा रखा है। आप कहाँ से हो ये बताइए पहले भैया, छत्तीसगढ़, ये भैया छत्तीसगढ़, पहले मुंबई से सीधे छत्तीसगढ़ आ गए, तो कैसा लग रहा है भैया जी आके, एक नंबर, मजा आ रहा नहीं आ रहा, एक नंबर। पर यार थोड़ा की घोड़ों ने परेशान कर रखा ना जी, ये थोड़ा आंटी जी कहाँ से आई, आंटी जी आप छत्तीसगढ़, आप एक साथ ही हो, नहीं नहीं, अच्छा अलग अलग, ओए कीचड़ भाई। सचिन भाई क्या कर रहे हो तुम्हें, तो गाइस ये वाला घोड़ों का रास्ता, ये देखिए पूरे घोड़े घोड़े दिखेंगे आपको, इतने घोड़े हैं यहाँ देखो, ये देखो यहाँ से, और पैदल मार्ग ही है, और वहाँ जाना है मेरे को अभी, तो वो है बेस कैंप है, वहाँ पर जाओ, लाइट दिख रही है आपको, यहाँ से दिख नहीं होगी बट वहाँ से है 1.5 किलोमीटर बच जाएगा। तो हमने चलते चलते 4-5 घंटे हो चुके हैं ना, 3 घंटे अप्रॉक्स 4 घंटे मान लो, तो अब 2 घंटे या एक और घंटा लगेगा, 3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, 1.5-2 घंटे। आंटी जी कहाँ से आए हो आप, बैंगलोर से, जय बोले, मजा आ रहा नहीं यहाँ, चलो अभी चलो आगे, आप तो गाइस आप चलते आगे को, आगे की ट्रैक कंटिन्यू करते हैं केदारनाथ की, तो मिलते हैं अभी, भीड़ तो काफ़ी है यहाँ पर, तो कम है
तो ही मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे। तो गाइस अभी बैठ चुके हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, पालकी शायद, आई थिंक यही बोलते हैं, जो भी है बाल्टी, नहीं बाल्टी नहीं पालकी। बढ़िया सा लग रहा है इसमें, कंफर्टेबल फील हो रहा है ना अंकल जी। तो अभी हम इसमें नहीं आएंगे, नीचे करो कैमरा थोड़ा, तो हम इसमें नहीं आएंगे, पैदल जाएंगे, क्योंकि भोले बाबा के दर्शन करने पैदल नहीं गए तो कोई फायदा नहीं। और गाइस वो देखिए ये सब घोड़े वाले हैं, यहाँ पर से ये ऊपर तक देखिए, पैदल यात्री तो बहुत कम है, ये देखो यहाँ पर बहुत कम दिख रहे हैं, और गंदे रास्ता भी साफ है देखो बिना घोड़ों के, क्योंकि वो थोड़ा गंदे ही करते रहे घोड़े, जैसे दिक्कत हो जा रही पाँव की, देखो अपने जूते देखो। तो हम भी चलते हैं आगे, वो फिर मिलते हैं आपसे, और नदी पीछे बढ़िया सी नदी आ रही है देखो। तो दोस्तों यार इस सफ़र में इतने खूबसूरत नज़ारे ना होते तो मेरा तो हाल बेहाल हो जाता और मैं यहीं पर ही बैठ जाता, पर मैं भोले का नाम जपते गया, जय भोले करते गया और आगे बढ़ता गया, और 5 किलोमीटर और 5 घंटे कब बीते पता ही नहीं चला। अभी भी हमारा सफ़र बाकी है, पर जो भोले का नाम लेते लेते आगे बढ़ते रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ परेशानी नहीं हो रही है, और जो बॉडी चार्ज हो जा रही है जय भोले नाम लेके। हाँ दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं रामबाड़ा, ये देखिए यहाँ पर जो स्कूल है एक बढ़िया सा, और यहाँ पर इतनी तेज़ नदी है ना कसम से, इतना तेज़ पानी आ रहा है, इतना ऊपर से आ रहा है, जब ये आपदा आई थी ना यहाँ पूरा ये शॉप ऑफ थी, पूरी यहाँ पर से पूरी यहाँ तक शॉप थी, ये पूरा तहस नहस कर दिया। 2013 में जो आपदा आई थी ना उसने पूरा तहस नहस हो गया रामबाड़ा। और तो गए यहाँ से 8 किलोमीटर बचा शायद आई थी ना, तो यहाँ से 8 किलोमीटर बचा है पूरा केदारनाथ मंदिर, जहाँ मेन मंदिर है वहाँ पर, और उससे पहले बेस कैंप है 1.5 किलोमीटर पहले, वो लगा लो हिसाब इतना बचा है भी यहाँ से, अराउंड यहाँ से भी लगेंगे हमको 1-2 घंटे तो लगेंगे जहाँ तक है। तो अभी बज रहा है, मैं दिखाता हूँ हमको कितना बज रहा है, तो अभी बज रहा है 5:30, देखिए हम निकले थे 1 बजे, 1:30 बजे निकले थे, लगा लो इतना टाइम लगता है यहाँ से। तो अभी तो यार बरसात का मौसम है, बट उतने हमारे टाइम पर अच्छा हुआ बारिश वारिश नहीं आई, नहीं तो हमको रेनकोट लेने पड़ जाते। हम भी इंजॉय कर रहे हैं, देखो आपको भी दर्शन कराएंगे हम, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी ट्रैक पे आपसे सीधे, थोड़ी देर रेस्ट करते ना तब। तो भाई जाने को तो हेलीकॉप्टर और घोड़े भी आते हैं, पर वो मज़ा इनमें नहीं जो पैदल चलने में मज़ा है, बिना कष्ट के भगवान के दरबार में पहुँच जाओ तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का ना। तो अभी हमें अभी तो थकान उतनी लग नहीं रही है, क्योंकि हमें हम भोले के नाम लेते चल लेना, ठंडा तो बहुत हो रहा है वैसे, क्योंकि यहाँ पर बारिश मतलब हवा चल रही ना, बारिश आ रही थी पर बूंदाबांदी आ रही थी, तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि बने हैं यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, मतलब बने हैं टीन वीन का साइड बना है, तो हम वाईफाई जोन भी है, बढ़िया से बैठ सकते हैं, घर वालों को फ़ोन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं नेटवर्क वगैरह। तो गाइस आप लोग भी आइए, बड़ा बढ़िया सा लग रहा है यहाँ पर, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, अभी तो केदारनाथ पहुँचे नहीं, यहीं से इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के मिल गए, हम तो पहाड़ी नॉर्मल सा लगता है बट यहाँ पर कुछ अलग सा है। तो गाइस यहाँ से केदारनाथ 7 किलोमीटर बचा है, पता नहीं देखो कब तक पहुँचते हैं, और मौसम देखो गाइस पूरा कोहरा ही कोहरा लग गया ऊपर साइड, और यहाँ पर से हम शॉर्टकट मार रहे हैं, पूरा 1.5 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। क्यों लांडो थकान लगी ये देखो रास्ता ऐसा। गाइस सचिन भाई को थकान लग गई है, मेरी हालत खराब, मेरी 3 बार सांस फूली और फिर भी इतनी फूली कि मैं फूल गया, बताऊं मैं तो बाद में बताऊंगा। हमारे भाई जी हैं यहाँ पर, ये ट्रैक करके आते हैं, और यहाँ पर गाइस ये दिखाइए यहाँ पर पहले, ये देखिए उल्टा कर करना, यहाँ पर ये घोड़े का एक्सीडेंट हो गया, इनसे ज्यादा काम कराते हुए, ये देखिए गाइस ये देखो थोड़ा आगे चलो, इनकी कोई वैल्यू नहीं सोच रहा जानवरों की, जिंदा मर गया देखो, जिंदा मर गया है, ऊपर से फेंक भी दिया, अभी फेंक दिया है ऊपर से, ये गलत बात है ना, यहाँ की सरकार जरूर देखे, पुष्कर धामी से मेरी निवेदन है जरूर, इस चीज के लिए ऑप्शन उठाए जरूर। अपने नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम गौतम, नोएडा से। बोल शंकर भगवान की जय, जय भोले। तो कोई बात नहीं, घोड़े की आत्मा को शांति मिले।